अखिलेश यादव के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं से परेशान अखिलेश यादव की पार्टी की हालत इतनी खस्ती हो चुकी है कि अब चंद्रशेखर रावण जैसे ने भी समाजवादी पार्टी में सेंधमारी शुरू कर दी। चंद्रशेखर रावण ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराया बल्कि लगे हाथ उनके बेटे को टिकट भी थमा दिया, जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के धोखे की टीस से आगे बढ़ चुके हैं। रावण ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश यादव न तो अपना घर संभाल पा रहे हैं और न ही पार्टी। सपा में रहकर अब लोगों को घुटन महसूस हो रही है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री मुकेश सिद्धार्थ को उन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कराई, साथ ही साथ उनके बेटे को हस्तिनापुर से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। चंद्रशेखर ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए 22 पॉइंट पर घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसे सार्वजनिक भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा महंगाई और दलितों पर अत्याचार को मुद्दा बनाकर आजाद समाज पार्टी चुनाव में आ रही है। यूपी के अधिकतर सीटों पर आजाद समाज पार्टी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री जनता ने बनाया। 2017 में जब चुनाव हुआ तो वे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं थे, वे मेरे ही तरह थे। चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने पिछले 5 साल तक दलित, सभी अल्पसंख्यक और अन्य जातियों और धर्म के लोगों की लड़ाई लड़ी है। 2022 में योगी आदित्यनाथ को हराकर उनकी विदाई तय करेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव है, इसीलिए हमने 22 पॉइंट्स का घोषणा पत्र तैयार किया है। दलितों और महंगाई के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सत्ता में आने के बाद टैक्स घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, क्योंकि नेता, मंत्री और अधिकारियों को पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता है, आम आदमी ही इसका बोझ उठाता है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी अब खुद ही अपनी लड़ाई लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।